शुरुआत है सो आई थॉट ऑफ डाउटको ऑफ दोज पिक्चर्स में वेरी नाइस सो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू डू अ पीओवी वीडियो फॉर यू गाइस एंड ऑब्वियसली इट इज गोना बी फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग फुल फ्लेज्ड विद गेस्ट आई वुड लाइक टू मेक थिंग्स मोर इजी इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली आई स्टार्टेड बेसिक कैमरा मेरे पास कोई एडवांस कैमरा नहीं नो स्पेशल इक्विपमेंट्स अ वेरी बेसिक DSLR एंड द वीडियो विच यू रिकॉर्डिंग दिस वन दिस कैमरा इज GoPro 9 एंड रेस्ट नो अदर मेजर गियर्स गाइस आई केम ऑल द वे फ्रॉम द्वारका मेट्रो स्टेशन से आई टेक ए मेट्रो फ्रॉम सेक्टर 21 टू शिवाजी स्टेडियम सो टुडे वी आर हियर इन सेंट्रल दिल्ली सीपी एरिया द रीज़न व्हाई आई एम चूजिंग दिस फॉर द सेकेंड शूट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटर हार्ट ऑफ दिल्ली इन टर्म्स ऑफ स्पीड यू एक्चुअली नीड एक्शन हसल बसल तो आबादी के साथ जाना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको लोग भी दिखेंगे तो आप कैप्चर कर लेंगे शुरू करते हैं लेट्स सी हाउ इट गोस अबाउट टू टेक ऑफ माय कैमरा नाउ विल बी टेकिंग अ कपल ऑफ सेल्फीज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे दिस विल बी गोना बी लाइक 5 to 6 मिनट POV एंड आई एम एमिंग टू गेट एटलीस्ट 10 गुड शॉट्स 10 गुड शॉट्स आ जाएंगे That will be nice. कैमरे के लिए आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड आप कैमरा यहाँ पर ना ही निकाले देखो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर हैं एंड आपको पता है मंकीज आर वेरी मिसचीवियस एट टाइम और स्पेशली कैमरा वगैरह देखने से दे विल टेंड टू जंप ऑन यू बस अगर आपके पास बैग है तो ये कुछ खाने का है तो ये ज़्यादा देखते हैं तो सीपी का हनुमान मंदिर एरिया है तो यहाँ से हम आगे से जाके विल टेक अ राइट And that will be the start of this video. Passing through this temple, CP wala, सामने मुझे गणेश मंदिर नज़र आया वैसे तो आउटर सर्कल में खींचने की कोशिश की बट मंदिर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है तो हम जिस कैप्चर वन पिक्चर हम लोग सर कैमरे में आ रहा हुआ है नहीं बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है वेरी वेरी ब्यूटीफुल माई एम इज टू जस्ट कैप्चर अ सिंपल सिंपल फोटोग्राफ यूजली तो हम स्ट्रीट करने निकले हैं आई होप यू ऑल नो बट द व्यू इज अमेजिंग फॉर दिस वंडरफुल टेम्पल एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू कैप्चर द रीज़न व्हाई 18:55 क्योंकि आपको लिबर्टी देता है जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट करते हो तब आपके लिए ईजी हो जाता है बिकॉज आई ऑल्सो हैव अदर लेंस सेकेंड लेंस है मेरे पास तो एक फ़ोटो हो गई है सेकेंड लेंस जो है वो 50mm है 1.4 50mm 1.4 एक्चुअली डजन गिव्स यू दैट मच लिबर्टी क्योंकि आपको बहुत मूव करना पड़ता है यहाँ पर एक अंकल मूव हो गया देखा तो है मैंने बट ऑब्वियसली हम लुकिंग फॉर अ परफेक्ट मेजर मूव बेचते हैं एंड हीज रियली गुड और
आई गेस दैट्स कवर्ड। ठीक है, होता आप परमिशन ज़्यादा नहीं मांगते किसी से, क्या होता है ज़्यादा परमिशन मांगते हो तो मोस्ट ऑफ पीपल डिक्लाइन कि नहीं नहीं आप फोटो देखते हैं। एंड स्ट्रीट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है एंड एक्चुअली टू पीपल प्रेफर कि हम इसमें ऑब्जेक्ट से ज़्यादा क्लोज आ जाए, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसको आप सेंटर पर इन रख रहे हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रीट और वीडियो बहुत अच्छे क्योंकि जितना आप लोग जाएंगे और दिल्ली में हाउस से दिल्ली का बात बट आट टाइम्स थ्री पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ बट आपके शर्माते होंगे बिना बात के दैट्स व्हाट मे स्पॉइल योर होल माइंडसेट बता के आज में फार साइटेड से कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया 18% लगाया उन्होंने, सो इट गिव मी लिबर्टी टू जूम इन स्टॉप दिस लेंस है, थोड़ी बहुत लिबर्टी दे देगा। सीपिंग अच्छा हो सकता है आपके लिए, बिकॉज सीपिंग में फ़ायदा ये है कि पीपल आर रिकमेंडेड ऑब्वियसली, यहाँ पे आजकल टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑब्वियसली दैट्स नॉट आवर पर्पस, बट ये टिकटॉकर्स की वजह से पीपल आर कैमरा फ्रेंडली स्पेशली शॉपकीपर्स लोग यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे डेली बेसिस पर काम करते हैं। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा कैमरा है मेरे हाथ में, इतना बड़ा कैमरा है, इतना बड़ा कैमरा है कोई भी पहने तो बैठे बच्चे पॉइंट ऑफ कैमरा को लेकर, बट दैट्स रीजन टू चूज गुड प्लेसेस इन सीपी। आप ऑलरेडी देख रहे हो ज़्यादातर वो कैमरा है, कैमरा पिक्चर भी पिक्चर यही सब चल रहा है, और ऑब्वियसली डे पिक्चर आते हैं जस्ट टू रेस्ट इन पीस इन साइड डे फोन, तो हमारा पर्पस अलग है। तो इनर सर्कल की बात कर रहा था, इनर सर्कल में आ चुके हैं, ये वाला साइड थोड़ा बिजी रहता है बिकॉज यहाँ से निकल के आगे तो गोपालगंज बिल्डिंग होगी आपको, वो बिल्डिंग से राइट लोगे तो मेन रोड आता है, इसीलिए ये वाला ट्रैफिक यहीं तक रहेगा। हमें उस इस रोड के जंक्शन तक जाना है, वहाँ से एम ब्लॉक चालू होगा एंड दैट विल बी लिटिल पीसफुल, सो कैप्चरिंग थिंग्स विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। एक चीज़ का ध्यान दें, जब स्ट्रीट पर आए आप स्ट्रीट फोटोग्राफी दैट शूट डे, खाने का विशेष ध्यान दें एंड कीप सेविंग एनर्जी, बिकॉज अगर आप चलने के आदि नहीं हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप बैठ जाओगे फिर आपको मन नहीं करेगा, थक जाओगे। बट टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई ऑलमोस्ट वॉक एवरी डे, तो आदत है तो इतना ज़्यादा हैसल नहीं है। इस पर्टिकुलर जगह से कैफेज बार शुरू हो जाते हैं बिकॉज इट इज़ आउटर सर्कल, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का आउट गेट है, मतलब उनका बैक किचन गेट है, बैक गेट है, और आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा, तो दैट इज़ लाइक मोर एक्शन एंड मोर द एक्चुअल रियलिटी। मेरा पर्पस रहता है मैं ज़्यादा जो ग्लिटरी स्टफ है वेर इन चमक धमक को दिखाया जाता है, माई पर्पज विल ऑलवेज बी नॉट टू कैप्चर दैट, बिकॉज आई गेस हर फोटोग्राफर यही चाहता है, अ स्मार्ट फोटोग्राफर आउट से और कंपनी यूजिंग द फोटोग्राफ्स, दे वांट टू डिपिक्ट द रियलिटी बाय द चॉइस ऑफ देयर कैमरा लेंस के थ्रू, वो रियलिटी दिखाना चाहते हैं एंड द मोर रियल यू विल बी द बेटर थिंग्स विल बी। दैट मेरा
मैं वापस इसलिए आया हूँ यहाँ पे ना, अभी मैं दोबारा पहले गया था यहाँ से, वीडियो में होगा अगर GoPro में वॉइस रिकॉर्डिंग होगी तो आई ट्राई टू कैप्चर दैट, बट मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग माइक की बंद कर दी थी और मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ। सो स्लिप अप फर्स्ट डे हेजिटेशन, कैप्चर एज मच एज फोटोज पॉसिबल, जितनी फोटोज मैं ले पा रहा हूँ। सीपीओ में एक्चुअली काफ़ी ब्यूटिफिकेशन का काम हो चुका है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी सुंदर बना दी जा चुकी हैं, काफ़ी साफ से अगर आप थोड़े साल पहले आते यहाँ आउटर सर्कल बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, ऐसे में दिल्ली साफ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट डज वर्क, काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी हैं, दैट्स हाउ द रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू। इस पार्ट में ज़्यादा लोग घूमते नहीं, अगर मैं अभी इनर सर्कल में जाऊँगा तो आपको लगेगा इतनी भीड़ कहाँ से आ रही, बट दैट्स रीज़न आई रादर प्रेफर हियर। के भैया जा रहे हैं पानी लेके, तो हम ट्राई करेंगे भैया को कैसे। आप जिनकी भी फ़ोटो देखते हैं आप उन फोटोज़ को, बिकॉज योर लाइक विल नॉट कॉस्ट एनीथिंग, आप लाइक कीजिए, ये एक अप्रिसिएशन होता है एक आर्टिस्ट के लिए अगर वो अपना हार्ड वर्क एफर्ट डाल रहा है, बिकॉज टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोस इट टेक्स अ लॉट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन थिंग, सो बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं वो लगते हैं इन वीडियोज़ में, एंड आई होप यू नो all the videos, especially the small accounts on YouTube, they do not get paid, they're just putting the videos there, and obviously the moment you like those videos it's a kind of a token of appreciation for their work and they feel motivated, so ensure to motivate if nothing, because that way you will receive contents probably like this or much better than this one from other artists, but like karna is something which is free, so do like, subscribe if you liking this video, because probably I'll make future videos like this. निज़ाम के समथिंग अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं नॉट फॉर देम, आप वेजिटेरियन भी आ सकते हैं, बट ज़्यादा वेजिटेरियंस को पसंद नहीं है वो फ्रेगरेंस जो अरोमा जो है, बट दिस इज निज़ाम, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन सिटी टू ईट नॉन वेज, बहुत बहुत आसमान I just love it. I saw this beautiful father and a kid. Trying to capture that. ये सामने कंकल लेके बैठे बुक स्टोर है यहाँ पर, it looks like a pro
बाहू बनेगा प्लेस. अगर आपको टॉयज का शौक है आई गेस ऑल इफ नॉट ऑल ऑल कहना तो बहुत यूनिवर्सल हो जाएगा बट मोस्ट ऑफ द मैन लव किड्स को ऑब्वियसली खींच लू चलेगा. भैया ने एग्रीमेंट किया बहुत स्माइल के साथ. सब्जेक्ट को लेना बहुत जरूरी है. थैंक यू. इसलिए मैंने बोला था जो लोग ऑर्डिनरी इंसान हैं आम आदमी नॉट द पार्टी बट आम आदमी वो कभी भी आपको नाराज़गी नहीं देगा. अभी क्या हो रहा है फर्स्ट टाइम चेस्ट माउंट पे है ना कैमरा. कई बार मैं अपना मेन कैमरा उसके आगे ऐसे रख दे रहा हूँ शायद दैट इज ब्लॉकिंग द व्यूज बट मैं ट्राई करूँगा पोस्ट प्रोडक्शन में इसको निकाल देने के एज इज एज पॉसिबल. देखो मैंने जैसे बोला था पूरा आउटर सर्कल घूम के हम यहाँ वापस आ गए फ्रॉम वेयर एज स्टार्टेड द जर्नी. आई कैन सी LIC बिल्डिंग इन फ्रंट. यहाँ पर कुछ लड़के हैं बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा है. जैसा मैंने बताया सीपी में ये चीज़ खास मिलेगी आपको कि ग्रफिटीज करी हुई वॉल्स पे आर्टिस्ट ने सम गुड आर्टिस्ट समर लाइक टाइम पास समर हाई समर लो. सो स्वीप करने का फ़ायदा यही है. We'll be right back.